Hi guys, welcome back to my channel. Okay, I know I am super late और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, but you know it's okay. Sometime it's okay. I'll try to be regular. तो चटर-पटर हो गया है. तो आज का वीडियो एक व्लॉग स्लैश कुकिंग नहीं सॉरी बेकिंग वीडियो होने वाला है. तो आज मैं बेक करने वाली हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक बार पहले बेकिंग की है, मतलब केक बनाया है, पर मैंने कभी प्रॉपर व्हिपिंग क्रीम के साथ और सब चटर मटर के साथ बेकिंग नहीं की है. तो ये मेरा फर्स्ट टाइम प्रॉपर बेकिंग बर्थडे केक बनाना है. अरे मैं ये बताना भूल ही गई कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और उसके बर्थडे के लिए मैं बेकिंग करने वाली हूँ. ओके, तो मैंने सोचा है कि आज मैं करूँगी ओरियो फ्लेवर का केक. ठीक है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, सबसे इधर उधर से सबसे पूछ लिया, इधर उधर के बर्तन उठा के लेके आई हूँ, सब कुछ करके सब कुछ रेडी किया है मैंने. बस अभी मुझे अच्छे से बनाना है और होप करना है भगवान से कि अच्छा बने मुझसे केक. एंड सी, आई एम टैलेंटेड, आई नो, आई एम नॉट डाउटिंग, आई एम नॉट लाइक मैं खुद पे डाउट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम क्लमजी, राइट? तो हम देखते हैं कैसे बनता है केक, और अगर अच्छा बना तो आप मेरी रेसिपी फॉलो कर सकते हो. तो मैं 1 kg का केक बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सारे मेजरमेंट्स, अंदाज़ा थोड़ा इधर उधर से देख के, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, हर जगह से देख के मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया है. और क्या बताना है मुझे, तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुकिंग स्टार्ट, बेकिंग स्टार्ट करते हैं. बेकिंग ओरियो फ्लेवर का केक. तो गाइज, यहाँ पे मैं ओरियो बिस्किट का केक बना रही हूँ, राइट? तो मैं ओरियो बिस्किट्स को क्रश कर रही हूँ. तो मुझे 1 kg का केक बनाना है, तो अराउंड समझ लेना 400 ग्राम आपको बिस्किट्स लगेंगे. उसको अच्छे से क्रश करना है एंड फिर मिक्सी में डाल के उसको एकदम बारीक पाउडर जैसा बनाना है, सो दैट उससे हम अच्छे से उसका बैटर बना सके. और बैटर में मैंने अराउंड 200 ml मिल्क यूज़ किया है, सो दैट एक अच्छा कंसिस्टेंसी मिले मुझे बैटर का. एंड फिर उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देना, और बेकिंग सोडा मत डालना, बेकिंग पाउडर डालना. और एक तरफ मैंने टिन लिया है जिसको मैंने अच्छे से ऑयल लगाया है, एंड फिर उसके अंदर मैंने वो बटर पेपर जो बेकिंग के लिए आता है वो भी लगाया है. तो अभी मैं इस बैटर को इस कंटेनर के अंदर पोर करा है, और फिर उसको अच्छे से मैं इवनली स्प्रेड करूँगी, सो दैट मेरा जो केक है वो अच्छे से बने ना. तो ये AMC का बर्तन होता है जिसके अंदर बेकिंग करते हैं, तो इसको पहले प्रीहीट करते हैं अराउंड 10 मिनट्स के लिए. तो फिलहाल मैं इसको प्रीहीट कर रही हूँ, एंड देन इसके अंदर मैंने अपना जो कंटेनर है जिस पे मैंने बैटर रखा है वो रख के अराउंड 40 मिनट्स स्लो फ्लेम पे मैंने इसको बेक किया है. तो गाइस, फास्ट फॉरवर्ड हो गया है सब कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ जो केक है उसका बेस जो होता है, मतलब केक होता है, वो ही शूट कर पाई. क्योंकि जब मैं उससे डेकोरेट कर रही थी और जब वो बेस मतलब ठंडा हो गया, उसके बाद का जो हुआ, इट वाज लाइक डूड, मेरी हालत हो गई थी. क्योंकि फर्स्टली वो जो बेस बना, आई डोंट नो क्या रॉन्ग हुआ मुझसे, या मैंने थोड़ा ज़्यादा उसे पका लिया, या पता नहीं कुछ तो ज़्यादा कम हो गया मुझसे, उसकी वजह से वो जो बेस है वो टूटने लग गया था. एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट, मतलब मुझे बहुत टेंशन होने लगी. तो मैंने, मतलब उस वक्त मैं ये करूँ या व्लॉग करूँ, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी मुझसे. तो मैंने वो, मतलब वो केक संभालने के इसमें मैंने वो व्लॉग नहीं कर पाई. तो बेसिकली मेरा जो बेस था वो पूरा से क्रम्बली क्रम्बली हो गया था जब मैंने बीच में से कट किया उसे. तो पर कैसे तो भी जुगाड़ करके मैंने उसे अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाया. एंड जो क्रीम भी थी, तो आई गेस टेम्परेचर, मैंने बर्फ में ही फेंट रही थी मैं क्रीम को, बट स्टिल वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रही थी, राइट? तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया एंड फाइनली वो केक रेडी हो गया बहुत जुगाड़ करके, पर आउटकम अच्छा है. तो या मैं
खुश हो कि आउटकम अच्छा आया है उस केक का, बट मैंने जैसे प्लान किया था वैसे नहीं आया, तो थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ मैं खुद से ही, बट ठीक है, फर्स्ट टाइम है तो मैंने खुद को माफ कर दिया। ओके तो आप अभी देखोगे कि केक कैसा बना है, सो डायरेक्टली हम जाएंगे फाइनल रिजल्ट्स पे। ओके दिस इज़ हाउ द केक टर्नड आउट गाइज, एंड आई मतलब मैंने जो प्लान किया था वैसा तो नहीं है, बट यार इट्स नॉट दैट बैड, इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड। और आप मुझे कमेंट्स में बता देना यार कैसा लगा आपको दिखने में, टेस्ट तो आप कर नहीं सकते पर आई कैन टेल यू इट टेस्ट गुड। धने हंसने अरे ये खतरनाक, एक नंबर एक नंबर धने एक नंबर एक नंबर देखो काट ले आ पकड़ नहीं, तो फ्लैश देना फ्लैश देना फ्लैश देना। तनु फोटो देख, फोटो देख आ गया तनु धने बघ टेस्ट कशी पण असेल, केक बद्दल बोलो का? नाही केक नाही, दिसायला तर भारी नाही आहे, म्हणजे मीडियम आहे, दिसायला पण भारी आहे, मीडियम आहे। धने इकडे बघ, इथे मी काढतोय ते नाही। ओ गॉड photography भेटला नाही का भेटला खतम दोघांचे सगळ्यांचे हात बनले। अरे बनन मी नेम करतो ते काढना बाहेर रे का अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ और मैं चाय ना पीऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो या सो गाइज आई एम फाइनली एट माई होम, फ्रेश हो गई हूँ, आई हैव चेंज इन टू माई पजामाज एंड बस बैठी हूँ फाइनल ये व्लॉग एंड करने के लिए। उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि होप मतलब बोलते ना तुक्का लग गया मेरा, या पता नहीं क्या हो गया, मेरा लक अच्छा निकला या मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, आई जस्ट डाउट टू माई सेल्फ। पर केक इतना ऑसम बना था, चुटकी में ख़त्म हो गया, लेजिट बोल रही हूँ। आई वॉज लाइक केक खिलाने गई मैं दोस्त को और आके देख रही हूँ कि गायब गायब। सबको बहुत अच्छा लगा और सबने जेन्युइनली तारीफ की, एंड ये भी है कि थोड़ा सा ड्राई बना था, बट नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा मतलब उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करूँगी। और पर केक बहुत अच्छा था, सो फाइनली केक अच्छा था, सब कुछ अच्छा हो गया, सबको अच्छा लगा, बर्थडे बॉय को केक अच्छा लगा और क्या चाहिए मुझे। एंड या बस इतना ही आज के लिए, इतना ही है, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, स्मॉल स्वीट प्यारा। और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे एक समझता नहीं है जो हमारे मम्मी लोग होते हैं वो दिन भर किचन में कैसे लगे रहते हैं, मतलब मेरे को तो मैं तो ऐसे थक जाती हूँ जैसे कि मैंने कौन सा जंग लड़ा है या पता नहीं कुछ बहुत हैवी काम किया है। मैं मम्मी लोगों को यहाँ पे बैठ के सल्यूट कर रही हूँ बिकॉज अभी समर्स आने वाले हैं और फिर उस गर्मी में काम करना, हैट्स ऑफ टू देम, मुझसे तो ना हो पाएगा। ओके गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, मैं आपको अगले व्लॉग में मिलती हूँ बहुत ही जल्द, होपफुली मैं अच्छा व्लॉग बनाऊँ जल्द में, एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट। मेरे लिए गुड नाइट है, सो या बाय।